हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन होम्योपैथी। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन होम्योपैथी में स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जो कि दिल्ली की बहुत बड़ी वैकेंसी है। दोस्तों, दिल्ली की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी नए वैकेंसी के अपडेट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम पेपर या रिज़ल्ट जानना चाहते हैं, कोई न्यू अपडेट नोटिस जानना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और साइड का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करते वक्त। अब मैं आगे वीडियो के बारे में बात कर लेती हूँ कि क्या अपडेट आया है। ये जो अपडेट है आप देख सकते हैं, ये जो अपडेट है 22 जून को आया था दोस्तों। ठीक है, आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दिखा देती हूँ। ये रहा एड्रेस, न्यू दिल्ली, पोस्टिंग भी आपको दिल्ली में ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप स्टाफ नर्स देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स। ठीक है, कितनी पोस्ट रहने वाली है दोस्तों? यहाँ पे 8 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, सैलरी आप देखो, पे लेवल 7 है, जिसमें कि जो मिनिमम है 44,900 से लेके 1,42,400, मतलब ऑलमोस्ट सारे अलाउंसेस मिल के जो आपकी सैलरी है वो 70,000 प्लस बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट के लिए बोला गया है नॉट एक्सीडिंग दी 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। ओके, अब यहाँ पे एजुकेशन की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, और जीएनएम, ठीक, जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जिसने भी बीएससी नर्सिंग करी है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करी है, वो करने के बाद अगर उन्होंने 6 महीने काम किया हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है, और साथ ही साथ वो किसी भी स्टेट में चलेगा, ठीक है, इंडिया के किसी भी स्टेट में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ हम जीएनएम के लिए बात कर लेते हैं। जीएनएम के लिए कंडीशन क्या है कि अगर उन्होंने 2 साल काम किया है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देती हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर होगी। आप देख सकते हैं जो डिटेल्स हैं इसकी, ठीक है, द डिटेल्स अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 29 जुलाई, 29 जुलाई लास्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जितना भी मैंने आपको बताया सब यहाँ पे ऑफिशियल में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड जनरल कंडीशंस आपको बता देती हूँ, लास्ट डेट आपकी 29 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ना फ़ी किसकी कितनी लगने वाली है अब इतना पढ़ लो, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उन्हें 300 रुपये देनी है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उन्हें देनी है 300, और जो एससी एसटी वुमन फिजिकल हैंडीकैप है उनकी कोई फ़ी नहीं है, उन्हें कुछ फ़ी पे नहीं करनी है। ठीक है, अब आपको बता देती हूँ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। ये जो फॉर्म है दोस्तों ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन रहने वाला है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन पोस्ट करने पड़ेंगे। और अब आप वाले बोलेंगे कि पेमेंट कैसी होगी, दोस्तों जो आपकी पेमेंट है डीडी में होगी। ठीक है, आपको कैश नहीं डालना है एनवेलप में, ठीक है, आप बैंक में जाना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है नहीं है, आपको जो ठीक लगता है अकाउंट, बैंक में जाना। बैंक में जाने के बाद आप वहाँ पे बोलना कि आपको डीडी बनवाना है 300 रुपये का, ठीक है, और डीडी किसके फेवर में बनेगा ये भी बता देना है। तो ये जो लाइन है आप देख लेना, ठीक है, ये जो ब्लैक मार्क से लिखा हुआ है ना, ये 3 चीज़ लिखवानी है, डायरेक्टर जनरल CCRH, ठीक है, ये इनको इनके फेवर में बनवानी है, और पेएबल कहाँ पे पेमेंट होगी एट न्यू दिल्ली, ये लिखवाना है। ठीक है, फेवर में डायरेक्टर जनरल CCRH और पेएबल एट न्यू दिल्ली, आपको ये लिखवाना है, ये लिखवाने के बाद ही आपको एनवेलप में भरना है। ठीक है, अब आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या भरना होगा। ठीक है, आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है, अगर आपने जीएनएम की है, बीएससी नर्सिंग की है, उसकी मार्कशीट और डिप्लोमा या डिग्री, ठीक है, और साथ ही साथ आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है
दिल्ली में कराया है, लखनऊ में, यूपी में, ठीक है, यूपी, पंजाब, जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन डाल देना, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का वो भी डाल देना, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका डॉक्यूमेंट की फ़ोटो का भी डाल देना, अगर आप हैंडीकैप है फिज़िकली आप उसका भी डॉक्यूमेंट डाल देना, और जो आपको फ़ी अप्लाई करनी है डीडी, ठीक है, डीडी भी डाल देना दोस्तों। और एक बात याद रखना, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने हैं, उन सब की फ़ोटोकॉपी अपने साइन के साथ सेल्फ अटेस्ट करके डाल देना दोस्तों, और साथ ही साथ फ़ोटोग्राफ डालनी है आपको चार, ठीक है दोस्तों, चार फ़ोटोग्राफ डालनी है आपको, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, अगर फ़ोटो नहीं है आपके पास तो ज़रूर खिंचवा लें, वाइट बैकग्राउंड की देना, विदाउट वाइट बैकग्राउंड मत देना क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जितने भी आपके वो है ना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे आएंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस एड्रेस पे आएगा, ठीक है, जब इनवेलप आप बंद कर देंगे तो उसमें आप क्या लिखना, ये लिखना, ये जो ब्लैक ब्लैक लिखा है ना पूरा लिख देना, ठीक है, आप किसको भेज रहे हैं, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन होम्योपैथी 61-65 इंस्टीट्यूशनल एरिया अपोजिट डी ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली बाई प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट, ठीक है, मतलब कि ये 58 तक साइड में फिर डेट लिख देनी है बस, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, और इनवेलप में आपको ये भी लिखना होगा, ठीक है, ये भी लिख देना कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, और जो कि आपको टॉप पे लिखना होगा, ठीक है, टॉप पे लिख देना आप कैपिटल लेटर्स में दोस्तों, ये बात नहीं भूलना, बहुत कंपलसरी है, ठीक है। इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है, जिसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 45% है और जो फिज़िकल हैंडीकैप है उनके लिए 40% है, ठीक है, ओके। अब एग्ज़ाम का जो अपडेट है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो PDF है आप देख सकते हैं, आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया उसके साथ साथ जो ये आपके आपको जो मैं फॉर्म दिखा रही हूँ ना दोस्तों, ये फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना एनेक्सर वन, इसे प्रिंट आउट कर लेना, इसे फिल कर लेना पूरा, ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्म भी प्रिंट आउट करके पूरा फिल कर लेना, ठीक है, जो लास्ट ये वाला है तीसरा इसे भी फिल कर लेना दोस्तों, इसके नीचे एक अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग को फिल करके इसे भी फिल करके डाल देना, ठीक है, और एक ये भी है एडमिट कार्ड टू बी फिल्ड, ये क्या है एडमिट कार्ड क्या है आपको बस फिल करके डाल देना है, जब अगला एडमिट कार्ड आपके पास आएगा तो इसी का एडमिट कार्ड आएगा लिख कर आपके पास, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर भरने हैं दोस्तों, और ये भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे उसके पीछे फ़ोटोकॉपी लगा देना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।